अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम सुमदित सब लोगों को हमारे चैनल फनिक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सारे बड़े होंगे, होंगे चिमणे में होंगे, मैं अब्दुल हसरत सलाफ फन और अलग वीडियो लेकर आए हैं। आई एम नॉट मलाला कश्मीर गर्ल याना मीर और अगेंस्ट क्या लिखा है पूरे सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। गमो गुस्सा भी था कि याना जो है लंदन के पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी दिया। मैं आज फिर ये बोलना चाहूंगा याना मीर जी, हमें आप पे प्राउड है। मलाला यूसुफ सही की बात की कि हम मलाला जैसे नहीं है जो भाग के आपके मुल्क में आ जाएंगे, हम कश्मीरी हैं और भारत में ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट याना मीर ने ब्रिटेन में यूके की पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दी है। और पाकिस्तान को रिप्लाई दिया है, उन्होंने बोला है कि मैं मलाला यूसुफ़ज़ई नहीं हूँ जिसे अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, भारत में रहती हूँ और मुझे तमाम सहूलतें मिलती है। पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक में नहीं है। वहाँ को आटा 20 से 25 रुपए का मिल रहा है, फिर अगर यही सिचुएशन है वहाँ की तो फिर वो वहीं पे पाकिस्तान में नहीं आया। पाकिस्तान तो फिर कश्मीरियों से भी बदतर है। तो कोई भी लास्ट ईयर जब मैं कश्मीर गया था, जब मैं याना मीर जी से भी मिला था। आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ वो शख्सियत को अगर आप इंडिया पाकिस्तान वीडियो देखते हैं, वही है, देखो अपडेट रहते हैं खबरों से। अच्छा, ये उनके पास गई थी। हाय, ये वही हम लोगों ने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ना हुकूमत का मसला मईशत है, अच्छा ना कर्जा है, ठीक है, ना सर उठाती हुई दहशत गर्दी है। ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये बात तो हम टाल ठोक के बोलते रहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान में अब बोलना आसान नहीं है। कैसे? क्योंकि वीगो डाला आता है, उठा के ले जाता है, फिर बंदा गायब भी हो जाता है गधे के सीम की तरह। हालात जो है वो बड़े क्लियर होते चले जा रहे हैं, बहुत क्लियर है कौन किधर खड़ा है, फिर पकड़ा है, क्लियर हो रही है। मुझे खुशी है दो दिन पहले करोड़ आवाम की उम्मीदें तोड़ी हैं। हाँ भाई हाँ। मैं हमारी सियासत कहाँ पर ला के उसने हमें खड़ा कर, हमें मरने पे मजबूर किया है। एक साल से ज्यादा हुकूमत चल ही नहीं सकते, इसकी वजह क्या है? अगर चलेगा भी तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। बल्कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला, मुझे खुशी है, जो नारा पाकिस्तान पंजाब के खिलाफ बनता था खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में या कबायली इलाकों में, जब पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट वाले वो नारे लगाते थे वर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। अफगानिस्तान तरक्की कर रहे हैं, भारत बहुत आगे चला गया है, पाकिस्तान का क्या बनेगा? हलवा क्या बोला हलवा पड़ोसी इतने तरक्की करके हमें क्या बीमारी? बवासीर एक आम समस्या है। और मेरा पान जाए कसूर दे वेच, उन्हां नूं 81,000 रुपया बिल आया गैस दा, ते सिर्फ चार लोग ने कर दे, और 2 घंटे गैस आती है चूल्हा, अभी रोटी भी नहीं पकती चली जाती है। ना ही बढ़ती हुई बेरोजगारी है, ना दफन होती हुई मिडिल क्लास है, और ना ही गरीबों की भूख और नंग है। हमारे साथ जो कश्मीर है वो भी पाकिस्तान के सही नहीं रह सकता। क्यों? वो भी बोले कि हमें अलग मुल्क दो। बल्कि हुकूमत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला, उधर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है इंडिया में, पाकिस्तान में रेलवे का क्या निजाम है, दुनिया देख रही है आपको, जरा
है ये भी तो बताएं। मैडम आपको पता है यहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे? यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है चला सके, और इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाना तो बहुत दूर की बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस समय की मेरी फुटेज है, मैंने इंटरव्यू भी किया था उनका, और उससे पहले भी मैं याना मीर जी को देखता था। उनको देखने के बाद में मेरे को काफी अच्छा लगता था, उनको सुनने के बाद में, क्योंकि वो एक कश्मीरी है, प्राउड कश्मीरी, और वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में कभी भी नहीं फंसी, प्रो हिंदुस्तानी प्रो इंडियन। उन्होंने कल इंग्लैंड की संसद में जाके बम फोड़ दिया। वीडियो बम जो पड़ा है वो वाकई जो कि एक तरह सोशल मीडिया में अभी सब यही कह रहे थे भाई, फेसबुक अगर देखी जाए या यूट्यूब या मतलब ट्विटर वगैरह वगैरह जो सब कुछ यही लड़की थी ये नमीर की वीडियो हमने कोई बनाई थी, अभी भी पड़ी होगी। जो प्राइसेस की वीडियो थी, जब हम प्राइसेस की वीडियो बना रहे थे, अगर आपको याद, पाकिस्तानी की चीजों की प्राइसेस और इंडियन प्राइसेस की, कश्मीर की प्राइसेस, ये कश्मीर तो अमीर जो है, मुझे भी अभी भी याद है, वो मुर्गियों और एक पास जाता है उधर भी पूछता है कि मुर्गिया की कीमत कितनी है, इस तरह सब्जियों की दुकान भी जाती है। एक तो वो चीज अच्छी है, एक तो इन लड़की ने जो है, उस लड़की ने जो बात की थी कि इसकी मतलब आपने कह दी। अब अगर कोई बंदा किसी से भी पूछे कि भाई साहब अब पाकिस्तान की हालत खराब है, ये सबको मानने पड़ेंगे, चाहे पाकिस्तानी हो उनको भी ये सब कुछ पता होना चाहिए। क्राइसिस चल रहा है ना भाई, एक चीज एक जगह पे जो है आप मतलब एक चिकन आप ले लो 200 रुपए का ले रहे हो, और दूसरी जगह 800 रुपए का है, तो भाई साहब 200 रुपए का अब लोगे सब्जी, ऐसा ही अगर एक जगह पे 20 रुपए का एक केजी मतलब जो भी है टोमेटो, उधर 200 रुपए की है, तो भाई साहब ये चीजें होती है, बाकी और क्या है। तो फीस भी है, और वहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, हम लोगों ने कुछ वीडियो बनाई है कश्मीर के, अभी जो मोदी जी वहाँ पे गया हुआ था, तो बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है या कोई दिखावा कर रहा है या व्यूज या वगैरह वगैरह, वो भाई सब कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहे हैं, रेलवे बन रही है, स्कूल हॉस्पिटल वगैरह, तो ये सब कुछ चीजें बन रही। तो भाई साहब वो लोग क्यों नहीं कहेंगे ऐसा यार, उन लोगों को और क्या चाहिए, यही तो चाहिए था उनको, जो बुनियादी जो बोलते हैं ना, ये बेसिक जो राइट्स होते हैं, वो अगर एक जगह पे किसी को मिल रही हो तो क्यों फिर उल्टा सीधा बोल रहे हैं? ठीक है, वो आसमान थोड़ी चाहेंगे कि मैं आसमान पे उड़ा हुआ चांद पे ले जाऊं। कंपैरिजन करो कि पाकिस्तान की कश्मीर को, इंडिया कश्मीर को, तो जमीन और आसमान का फर्क, जमीन और आसमान भाई, वो लोग खुद कह रहे हैं। देखो पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं, हमारे खाने की जो नहीं मिल रही है, और हमने अभी तक कोई मोटरसाइकिल बिजली वाली नहीं चलाई है, लोग ट्रेन चला रहे हैं, तो ये चीजें इस तरह बातें होती है। इन बातों को तो बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए कि इसमें रियलिटी होती है। बाकी वीडियो थी, देखते हैं आगे क्या होगा, ये लोग क्या कहेंगे इसके बारे में। करोड़ पसंद है प्लीज सोशल मॉनिटर साथ में जो मेरा आइकन है उसे मेरे बारे में पता चलेगा। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।